इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लंबी तस्वीर राकेश दुबे के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से बालू माफिया से साठगांठ रखने के आरोप में ये पूरा प्रकरण हुआ था, जिसमें कई बड़े अधिकारी नपे थे। उसमें दो आईपीएस अधिकारी भी थे, जिसमें राकेश दुबे और सुधीर कुमार पुरिका का भी नाम था। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार चार स्थानों पर रेड चल रहा है। अभियंता भवन, अभियंता नगर, कंकड़बाग में रेड चल रहा है। साथ ही साथ कह सकते हैं पटना के एसके पुरी में, और उसके बाद कह सकते हैं कि झारखंड में दो स्थानों पर रेड चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले में रेड कर रही है और फिलहाल घाट के आरोप में यह पूरा बालू माफिया साठ घाटों में रेड चल रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक यह कह पाना मुश्किल है कि क्या क्या मिल पाया है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के लोग फिलहाल रेड खत्म हो जाने के बाद ही पूरे मामले में प्रेस विज्ञप्ति से उस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। लेकिन इतना तय है, इसमें निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनिलंबित आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे के आवास पर एसके पुरी में छापेमारी चल रही है। मुर्गो बालम, कशिश न्यूज, पटना। कल देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। बीजेपी ऑफिस में इस समय कशिश की टीम, हम आपको बताएंगे क्या तैयारियां चल रही कल को लेकर कि किस तरीके से आप ये देखिए, ये पटना आर्ट्स एंड क्राफ्ट के यहाँ दोनों छात्र, एक छात्रा है एक छात्र, प्रधानमंत्री का सैंड, बालू सैंड बनाया जा रहा है। और बिल्कुल ये जो स्टेज है, इस स्टेज के सामने ही पूरा कार्यक्रम होगा। थर्मोकॉल बनाया जा रहा है, ये सैंड पूरा बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है। क्या बना रहे हैं जी? हम ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं सैंड के माध्यम से जी। कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये आज शाम तक पूर्ण होने की संभावना है, आज शाम तक जी। देखिए ये स्टेज है, इसके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कह सकते हैं कि सैंड है, कह सकते हैं पूरा स्टेचू बन रहा है और इसमें कलाकार लगे हुए हैं। और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं क्या तैयारियां हैं वहाँ। आपको थर्मोकोल मैंने आपको दिखाया, अब इधर देखिए। अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी काम किए गए हैं, 370 का हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब योजना हो, उसके साथ साथ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया हो, साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं कि उज्ज्वला योजना, उसको लेकर के पूरा एक कह सकते हैं कि पूरी एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विभिन्न तरीके का फोटो लगाया गया है। और फिलहाल इस फोटो में लोगों को जो कोविशील्ड कोवैक्सीन दिया जा रहा है, भारत में अभी तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड कोवैक्सीन पड़ चुका है। यह भी अपने आप में उपलब्धि है। केंद्र सरकार उन सभी उपलब्धि को देना दिखाना चाह रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके बारे में है, तो पूरी तरह से तैयारी है। देखिए हम आपको यहां दिखा रहे हैं, यह पूरा एक स्टेज बन रहा है, अकरपुली स्टेज में कह सकते भारत के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस पूरी इस स्टेज पर मनेगा। और कह सकते हैं कि पूरे लोग बिल्कुल कह सकते हैं बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद होंगे और फिलहाल कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस बीजेपी कार्यालय में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अच्छे तरीके से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुर्गो बालम, कशिश न्यूज, पटना। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 71वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर पटना के कालीगंज चौराहे पर बीजेपी का कार्यकर्ता 71 पाउंड का केक काट रहे हैं। उनका कहना है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि 71वां जन्मदिन है, हम उनके स्वास्थ्य सेहत की कामना करते हैं। साथ ही बीजेपी ने कल पूरे देश में कल कई बृहद कार्यक्रम किया है। यह पूरा कार्यक्रम निश्चित तौर पर अक्टूबर तक चलेगा। इस पूरे मामले में पटना में भी कई कार्यक्रम होने हैं और फिलहाल यहां आप देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे, साथ ही मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। वो लूट रहे हैं सपने को, मैं चैन से कैसे सोऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं निश्चित तौर पर यह अपने आप में है। और किस तरीके से ये पूरा नरेंद्र मोदी का पंपलेट लेके ये लोग कह सकते हैं कि जन्मदिवस का केक काटते हैं। आज हम एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी को 71 पाउंड का केक काटकर उनका जन्मदिन के बधाई दे रहे हैं। जिस तरह से देश का विकास किया है 7 साल में, वो कोई ऐसा प्रधानमंत्री विकास नहीं किए हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं, माता रानी से कामना करते हैं कि उनका लंबी उम्र हो और देश की जिस तरह से विकास कर रहे हैं, वो विदेश में भी काम कर रहे हैं, आतंकवादी पर वो इतना ना जोर दे के पूरा स्वस्थ रहे, हम ईश्वर से तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ रहें और देश का नेतृत्व करते रहें, यही लोगों ने कामना की है। मुर्गो बालम, कशिश न्यूज, पटना।